यह है फायरबोल्ट स्टारलाइट और यह है नॉइस कलरफिट इम्पैक्ट। और आज हम देखेंगे इन दोनों में से कौन सी स्मार्ट वॉच ज्यादा बेटर है और कौन सी आप पे ज्यादा डालती है इम्पैक्ट। तो यार यहाँ पे दो ऐसी स्मार्ट वॉचेज है इस टाइम मेरे पास जो अंडर 2000 आप लोगों को मिलती है और इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स, काफी सारी चीजें ऐसी है जो बहुत ज्यादा मैच होती है। तो मैंने सोचा कि ना आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन वीडियो बनाई जाए। बहुत सारे बायर्स कंफ्यूज हैं इन दोनों में से कौन सी स्मार्ट वॉच ले, तो उनकी आज कंफ्यूजन दूर होने वाली है। तो चलते हैं फटाफट कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यार चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी कभी लाइक करो, बाद में आप लोग भूल जाते हो। इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के सबसे पहले बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात करना चाहूंगा। दोनों स्मार्ट वॉचेस रेक्टेंगल शेप में आती है, दोनों में आप लोगों को मेटेलिक फ्रेम देखने को मिल जाता है, बट एक वर्किंग क्रॉन मिलता है यहाँ पे आप लोगों को नॉइज इम्पैक्ट में और एक बटन मिल जाता है फायरबोल्ट स्टार लाइट में। दोनों स्मार्ट वॉचेस की बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पे ग्लास फिनिश का यूज किया गया है, डेडिकेटेड सेंसर्स मिल जाते हैं, इसके अलावा एक साइड स्पीकर, दूसरी साइड माइक मिल जाना है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे दोनों की टॉप नॉच देखने को मिलती है यार। बाकी यहाँ पे स्ट्रैप भी 22mm के प्रोवाइड किए गए हैं, मेटल का स्ट्रैप मिल जाता है आप लोगों को फायरबोल्ट स्टार लाइट के साथ। वही बात करूं मैं इंपैक्ट की तो यहाँ पे सिलिकॉन का स्ट्रैप प्रोवाइड किया गया है और स्ट्रैप की क्वालिटी सिलिकॉन की भी ठीक है, बट मेटेलिक फ्रेम होने की वजह से यहाँ पे स्टार लाइट थोड़ी ज्यादा प्रीमियम लगती है। बाकी आफ्टर मार्केट आप लोग नॉइज इंपैक्ट में भी मेटल का स्ट्रैप लगा सकते हो, जैसे मैंने अभी लगा रखा है। दोनों स्मार्ट वॉचेस के यहाँ पे मैं यूआई परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो यार देखो इम्पैक्ट को यूज़ करते हुए अच्छा खासा टाइम हो चुका है, लैग या हैंग जैसा कोई इशू ऐसा मैंने तगड़ा वाला फेस नहीं करा है। हल्की फुल्की यहाँ पे हैंग होती है बट वैसी वाली नहीं होती। बाकी स्टार लाइट की बात करूँ तो यार ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, बिल्कुल भी यहाँ पे आप लैग या हैंग जैसा इशू फेस नहीं करने वाले हो। दोनों की यूआई बढ़िया है बट 19-20 का ही फर्क देखने को मिलता है, 20 यहाँ पे आप लोगों को स्टार लाइट दिखाई देगी। इसके अलावा दोनों के टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप लोग टच करो कैलकुलेटर पे और गेम खुल जाए, तो ये चीज यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। दोनों स्मार्ट वॉचेस के आप फीचर्स एंड डिफरेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले सिमिलर फीचर्स के बारे में बात करना चाहूंगा। इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में आप लोगों को 2 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है। दोनों की कलर एक्यूरेसी काफी सही मिलती है यार, कंट्रास्ट, शार्पनेस काफी बैलेंस देखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्ट वॉचेस में आप लोगों को 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी, इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी को लेकर आप कोई भी इशू फेस नहीं करने वाले हो। साथ ही साथ यहाँ पे कस्टम वॉच फेसेस का भी ऑप्शन मिल जाता है, बट यहीं पर डिस्प्ले का फर्क देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। अभी आप देख सकते हो कलर एक्यूरेसी कितनी सही देखने को मिल रही है फायरबोल्ट स्टार लाइट में। वही बात करूँ मैं इम्पैक्ट की तो यहाँ पे थोड़ी सी फेडेड दिखाई देती है। तो हाँ डिस्प्ले में यहाँ पे ऑब्वियसली बात है फायरबोल्ट स्टारलाइट विनर है, अभी भी आप लोग देख सकते हो आप लोगों के सामने ही चीजें रखी हुई है। इसके अलावा अदर फीचर्स की बात करूँ तो इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में ब्लूटूथ कॉलिंग, वॉइस असिस्टेंट जैसे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। हेल्थ ट्रैकर्स में हार्ट रेट, SPO2, स्लीप मॉनिटरिंग और ब्रीथ मोड जैसे बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा बेसिक फीचर्स में कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, वेदर फोरकास्ट, फाइंड माई फोन, डू नॉट डिस्टर्ब और टॉर्च जैसे तगड़े फीचर्स मिल जाने हैं। साथ ही साथ इन दोनों में टाइम पास के लिए गेम्स भी दिए गए हैं, तो 2-3 गेम दोनों में मिल जाने चाहो तो खेल सकते हो। तो ये थे यार इनके सिमिलर फीचर्स। अब बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंसेस की, तो पहले बता देता हूँ नॉइज इंपैक्ट में ऐसी क्या चीज़ें मिलती है जो फायरबोल्ट स्टार लाइट में मिसिंग है। तो इंपैक्ट में आप लोगों को सबसे पहले एक वर्किंग क्राउन मिल जाता है जो कि मैंने पहले बताया आप लोगों को। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को फीमेल हेल्थ ट्रैकर और स्ट्रेस मॉनिटर जैसे अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं, ये तीनों ही फीचर्स फायरबोल्ट में मिसिंग है। वहीं बात करूँ मैं स्टार लाइट में ऐसे कौन से फीचर्स मिलते हैं जो नॉइज इंपैक्ट में नहीं है या फिर कम है, तो सबसे पहले आप लोगों को फायरबोल्ट में मिल जाता है बीपी मॉनिटर। इसके अलावा काफ़ी यूजफुल फीचर मिलता है जो कि है कैलकुलेटर, काफ़ी लोग डिमांड रहती है वो फायरबोल्ट स्टार लाइट में मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को 8 मेन्यू स्टाइल्स मिल जाएंगे जो कि मिसिंग है नॉइज इंपैक्ट में। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को IP68 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है, इंपैक्ट में IP67 ही देखने को मिलेगी। वही बात करूँ स्पोर्ट्स मोड की तो यहाँ पे 123+ स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, नॉइज में सिर्फ बेसिक कुछ ही गिने चुने स्पोर्ट्स मोड दे रखे हैं। बाकी यहाँ पे मेटेलिक स्ट्रैप दिया गया है स्टार लाइट में और सिलिकॉन का स्ट्रैप मिलता है आप लोगों को नॉइज इंपैक्ट में। तो ये थे इनके कुछ डिफरेंसेस, होप करता हूँ यहाँ पे फीचर वाइज आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। एक्यूरेसी की बात करूं तो इन दोनों स्मार्ट वॉचेस को पहनकर मैंने इनका हार्ट रेट टेस्ट किया और कंपेयर किया अपने ऑक्सीमीटर से। एट दी एंड दोनों का ही रिजल्ट यहां पे सिमिलर देखने को मिलता है ऑलमोस्ट, और ऑक्सीमीटर से दोनों एक आध रीडिंग से ही पीछे रहती है। वही बात करूं मैं SPO2 की तो यहां पे भी दोनों सही काम कर रही है, बट यहां पे भी एक रीडिंग का फर्क देखने को मिल जाएगा अगर मैं ऑक्सीमीटर से कंपेयर करूँ तो। स्टिल मैं ये कहूँगा यार दोनों में से कोई भी स्मार्ट वॉच पे आप लोग रिलाई मत रहना, इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है ये स्मार्ट वॉचेज, सीरियस सिचुएशन में मेडिकल इक्विपमेंट का ही यूज़ किया करो। इन दोनों स्मार्ट वॉचेस की अभी मैं कॉलिंग क्वालिटी आप लोगों के सामने रख देता हूँ, आप लोग चेक कर लो। हेलो। हेलो। हाँ भाई क्या हाल है? बढ़िया, कैसा है बता? बस बढ़िया। आवाज कैसी आ रही है मेरी? आवाज क्लियर आ रही है, वॉच से कॉल कर रहे हैं। हाँ मुझे भी बहुत सही आ रही है तेरी आवाज। इस वॉच में तो यार ऐसा लग नहीं रहा कि
अच्छा नहीं, क्वालिटी अच्छी लग रही है इसकी। अच्छा नहीं, बहुत सही आवाज़ आ रही, क्लियर एकदम। अच्छा चल ठीक है, बैकग्राउंड की आवाज़ तो नहीं आ रही ना दादा? मेरे को तो आई नहीं रही आवाज़ बैकग्राउंड की। अच्छा चल ओके। हेलो, हाय इमरान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बताओ। बस भाई बढ़िया। अच्छा ये बता, आवाज़ सही आ रही है क्या मेरी? हाँ भाई साफ आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है। कोई ऐसी वो नॉइस तो नहीं आ रही बैकग्राउंड की? नहीं, जैसे फोन वोन से आती वैसी आ रही है? अच्छा, एक स्मार्ट वॉच आई थी उसी से कॉल कर रहा था, मतलब सही है, कॉल तो बात हो सकती है इससे। चल ठीक है, यही पूछ रहे। ओके भाई चल ठीक है। होप करता हूँ यहाँ पे कॉलिंग क्वालिटी का एक आइडिया मिल गया होगा, मुझे बताना आपको इन दोनों में से किसकी कॉलिंग क्वालिटी ज़्यादा बेटर लगी है। आते कंक्लूजन पे और बात करते हैं आप लोगों को इम्पैक्ट और स्टारलाइट में से कौन सी स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए, आप लोगों के लिए कौन सी स्मार्ट वॉच ज़्यादा बेटर रहने वाली है। तो देखो यार, मैंने आप लोगों के सामने फीचर वाइज सारी चीज़ें कैटेगराइज करके इसलिए रखी है ताकि आप लोगों के खुद चीज़ें समझ में आ जाएं और आप लोगों को ईजी टू पिक रहे। बट अगर आप लोग मेरी हेल्प चाहते हो यार, मैं यही कहूँगा, अगर आप लोगों को मेटल स्ट्रैप चाहिए, बीपी मॉनिटर और कैलकुलेटर जैसे यूजफुल फीचर चाहिए तो आप लोग स्टारलाइट के साथ जा सकते हो। अगर आप लोगों को एक वर्किंग क्राउन चाहिए, एप्पल टाइप थोड़ा बहुत डिज़ाइन चाहिए तो आप लोग इम्पैक्ट भी ले सकते हो। दोनों में मेटेलिक फ्रेम है, दोनों के सेंसर्स ऑलमोस्ट सेम है, दोनों के फीचर्स में थोड़े बहुत फर्क देखने को मिलते हैं आप लोगों को। बट ये कि 2000 रुपए में मुझे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फायरबोल्ट स्टारलाइट लगी है, क्योंकि यार मेटेलिक स्ट्रैप ही आप लोगों को 500-600 रुपए का मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे मेटेलिक बॉडी मिल जाती है, बाकी बहुत सारे फीचर्स भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। दोनों में से अगर किसी भी स्मार्ट वॉच में आप लोग इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस यार ये थी आज की वीडियो, अब करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो करके जाना यार। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.